कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों का हत्यारा विकास दुबे शुक्रवार सुबह पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। विकास दुबे को उज्जैन से कानपुर ला रही यूपीएसटीएफ के काफिले की गाड़ी आज सुबह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा कानपुर टोल प्लाजा से 25 किलोमीटर दूर हुआ। बताया जा रहा है कि जब गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई उस समय विकास दुबे हथियार छीनकर भाग निकलने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद घटनास्थल पर विकास दुबे और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल विकास दुबे को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। कार हादसे में गाड़ी में मौजूद एसटीएफ के दो कर्मचारी भी घायल हुए। वारदात में कुल 4 कर्मचारी घायल हुए हैं। और यहाँ पर गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें खाजा उठा करके जाते हैं उसने जो विवेचक थे उनकी पिस्टल छीन करके भागने लगा, जिसमें एसटीएफ की टीम बैकअप में वहाँ पर आ गई जाते हैं और उसमें मुठभेड़ हुई है और इसमें विकास दुबे घायल हुआ, उसको अस्पताल ले जाया गया जहाँ पर उसको जो जवान भी घायल हुए हैं क्या? और हमारे जो कुछ सिविल पुलिस के लोग भी थे, 2-3 लोग हैं, आईजी साहब को हमने वहाँ भेजा हुआ है और जो घायल हम उनको ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं वहाँ व्यवस्था देखने गए हुए। सर कितनी गोलियां लगी, कितनी गोलियां लगी हैं? अभी ये विवरण देते हैं, अभी हम अस्पताल पहुँच करके विवरण लेकर के देते हैं, तब हम आपको स्थान कौन सा है? यही पर जहाँ पर हम लोग मौजूद है, यही घटनास्थल, यही गाड़ी दुर्घटना पास में ही अपना जो है मुठभेड़ हुई है। सर पिस्तल छीनने की क्या बात है, कितने बजे? हाँ, पिस्तल छीनने विवेचक है पचौड़ी साहब हैं जाते उनकी, वो जो भी साथ में आ रहे थे और उनकी पिस्टल छीन करके जाते हैं, जैसे बताया गाड़ी पलटी है जाते हैं तो उसका फायदा उठा करके वो पिस्टल छीन करके जो है पार्टी पिस्टल छीनने की पहले गाड़ी पलटी गाड़ी पलटी है यहाँ पर हमारे लोग हैं मौजूद हैं। घायलों को हेलट अस्पताल में पहुंचाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।